ये जो संशोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा गया है तुलगाबाद में, चमार वाला जोहड़ में जो स्थित था, तो ये मंदिर तोड़ा जाना ये कोई एक समुदाय या एक जाति का मसला नहीं है। ये पूरे विश्व में संशोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायियों को आहत किया है इस घटना ने, और संत महापुरुषों के सम्मान का ढिंढोरा पीटने वाले मोदी के राज में ये हुआ है। संशोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर काशी में जाके मत्था टेकने वाले मोदी का ढोंग और उसका पाखंड सामने आ गया है। संशोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर तोड़ा जाना संत का अपमान नहीं, उनके अनुयायियों का अपमान है, घोर अपमान है। संत का कोई अपमान नहीं कर सकता, पंतूर के अनुयायियों का अपमान है। तो इस अपमान का घूंट पी के नहीं बैठेंगे हम। संत का मंदिर तो वहीं बनेगा, या फिर अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में और मोदी की सरकार में जरा भी बल है तो अक्षरधाम के मंदिर पे बुलडोजर चलवाए, जो जमुना नदी की सरकारी भूमि में बना हुआ है, मनसा देवी हरिद्वार में, चंडी देवी, वैष्णो देवी, त्रिपुरा बालाजी, ये सब मंदिर सरकारी भूमि में बने हुए हैं, इन पे बुलडोजर चलवाए। और संशोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर ऐतिहासिक है, संत के वहां पैर पड़े हैं, उस पवित्र स्थान को हम कैसे छोड़ सकते हैं? और इनके बाप ने नहीं दी थी वो भूमि, वो सिकंदर लोदी ने दी थी, इस मुल्क के बादशाह ने दी थी, दिल्ली के बादशाह ने दी थी। उसके बाद तो 250 साल मुगल राज कर गए, अंग्रेज राज कर गए, जवाहरलाल नेहरू राज कर गए, इंदिरा गांधी राज कर गई, बीपी सिंह राज कर गए, किसी ने उस धरती को उस मंदिर को छोड़ने का साहस नहीं किया, दुस्साहस नहीं किया। परंतु ये ढोंगी सरकार ने, इस जालिम सरकार ने संत का अपमान किया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संत का मंदिर वहीं बनेगा, संत का मंदिर वहीं बनेगा। 14 तारीख की बात आ रही है, मैंने हर यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए तमाम संगठनों के यहाँ पे महासचिव और कार्यकर्ता आए हैं, एक एक के पीछे लाखों लाख लोग हैं, हजारों लोग हैं। मेरा आह्वान है आप सबसे, अभी सुखदेव महाराज जी जो इस आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी संत संगत यहाँ पे नेतृत्व कर रही है, पंजाब से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हम संत संगत जो आदेश देगी उसके अनुरूप इस मुल्क में ये मंदिर मुक्ति का आंदोलन चलेगा। और यदि कोई अपनी राजनीति चमकाना चाहता है उससे भी हम निपट लेंगे, संतों का अपमान नहीं होने देंगे, संतों का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। संतों का आह्वान है कि 14 तारीख को दिल्ली के अंदर हमें आना है, और दिल्ली में 40 लाख से ऊपर दलित है। मैं कहता हूँ पहले तो दिल्ली वाले लोग निकले, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से तो लोग आएंगे ही। मैं दिल्ली के लोगों से आह्वान कर रहा हूँ कि आप लोग घरों से निकलो, एक दिन के लिए निकलो, 14 सितंबर के लिए निकलो, बाबा के मंदिर की मुक्ति के लिए निकलो। तो मेरा ये आह्वान है, और इसके ऊपर कोई समझौता हम सरकार से करने वाले नहीं है। सरकार के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं, सरकार से मिलके जो आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, या किसी भी राजनीतिक दल से, या किसी भी दलाल और चमचों से ये आंदोलन प्रभावित होने वाला नहीं है, और ना हम होने देंगे इसको। हम इस देश के अंदर आंदोलनकारी हैं, और बाबा साहब संशोमणि गुरु रविदास के सच्चे अनुयायी होने का दावा कर सकते हैं हम, जो हम यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। तो मेरा ये कहना है कि संतों का आह्वान होने वाला है, और मैं एक घोषणा करने जा रहा हूँ कि ये मंदिर तो वहीं बनेगा भाई। अभी कई वक्ताओं ने बात रखी, वो लोग शक्तिशाली रहे हैं, बड़ी देर तक राजकाज में रहे हैं, आज जो ये मांगे हो रही हैं, ये मांगे उस समय पूरी हो सकती थी। SC ST एक्ट में अगर उत्तर प्रदेश में अमला हुआ तो आपकी अपनी ताकत थी, आप उसे बदल सकते थे, हम तो नहीं बदला गया। चीजों को सुधारने की जरूरत है, जो चीजें बिगड़ गई उनको सुधारने की जरूरत है। आज ये समाज एक हो रहा है, तो आज यहाँ पे तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उनका यहाँ स्वागत है। पुनिया जी यहाँ पधारे, इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पधारे, तमाम राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पधार रहे हैं, आपका सबका मान है। आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, आप अपनी क्षमता में, आप अपने संगठनों के माध्यम से इस आंदोलन को
सम्मान में सिर भी देना पड़ जाए तो दे देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत शिरोमणि गुरुदास।